नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ये मेरे सहयोगी मनीष जैन। जैसे आप देख रहे होंगे इस टेबल पे गंगा जल है, नल का पानी है और फिल्टर का भी पानी है। क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा पानी कौन सा है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पानी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो सबके लिए है और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। चाहे वो नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, किन्नर हो और कोई भी अपने आप को किसी भी लैंगिकता का कहता हो। इसके लिए हमने अपना प्रोडक्ट पानी चुना, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। जब मनुष्य होने का वजूद पूरे समाज ने हमारे तरफ से खींच लिया, तब हमने डिसाइड किया कि हम सम्मान विद डिग्निटी, हम अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म दें जहां वो सम्मान से काम करें और अपने तरीके से काम करके एक सुंदर चीज हो, तो वो पानी, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। शख्स किन्नीर की शुरुआत लक्ष्मी जी और मैंने 2018 में की थी और तब से लेके अब तक हम करीब 35 लाख लीटर पानी भारत की दिग्गज कंपनियां जैसे विस्तारा एयरलाइंस, द ललित होटल्स, बार्कलेज बैंक, ISS फैसिलिटीज, JLL, सोडेक्सो और अब सीरम इंस्टीट्यूट को सप्लाई कर चुके हैं। बदलाव की इस मुहिम में हम किन्नीर अब तक करीब 350 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में नौकरियां प्रदान कर चुका है और हमने अब करीब 700 और नौकरियों का इंतजाम इस कम्युनिटी के लिए अलग अलग कंपनीज में कर दिया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में किन्नीर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भारत के टॉप 3 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड्स में गिना जाए। इसी मुहिम में हम चाहेंगे कि हम अपनी कंपनी का 10% ऑफर करें, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और इस बदलाव की इस आवाज़ में इसको और एम्प्लीफाई कर सकें। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी कि आप में इतना साहस है, इतना हौसला है और जो वर्ड्स आपने यूज़ किए डिग्निटी आपके कम्युनिटी को देने के लिए, ये कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आप ये बताइए कि किन कठिनाइयों की वजह से आप में ये इच्छा जागी कि मैं ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ? देखिए, मेरा बैकग्राउंड है सोशल एक्टिविस्ट, नाउ आई एम अ हाई प्रीस्टेस आचार्य महामंडलेश्वर ऑफ एन अखाड़ा, पर मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं कब तक दूसरे ये मल्टीनेशनल कंपनीज एक दो ट्रांसजेंडर को जॉब रख के कुछ सालों के बाद निकाल देते हैं। आज अगर मेरा ही घर हो तो मैं अपने बंदों को अपने घर से बाहर थोड़ी ना निकालूंगी, और मैं कब तक मैं आंचल फैला के समाज को कहूंगी, पॉलिसी मेकर्स को कहूंगी नॉन डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी हो, उसको बनने के लिए बहुत समय लगेगा। तो मैं किसके ना इंतजार करते हुए हमने स्वयं का कदम उठा के मनीष जी मेरे पास आए, मैंने इनको ठोक बजा के पहले देखा कि इज अ राइट पर्सन और नॉट। हाँ, मैं कहीं और एक और कठपुतली ना हो जाऊं किसी एक इशू के लिए। देन इनके कमिटमेंट हमने देखा तो आई सेड आई एम देयर। आज हमने किन्नीर के थ्रू फ्लिपकार्ट में 50 लोगों को रखा था, उनके परफॉर्मेंस को देख के 500 जॉब्स के ऑफर आ गए। तो मुझे पता है ना, आप मेरी लैंगिकता को मत तौलिए, आप मुझे देखिए कि मैं समाज को क्या दे सकती हूँ, मैं बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मेरी रेड लिपस्टिक, मेरी साड़ी, मेरी चूड़ियाँ वो मेरे लिए हैं, पर उसके बदले आई कैन कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, आई कैन बी वंडरफुल एडवोकेट, HR ऑफिसर, आई कैन बी अ गुड एम्प्लॉई। हमारे पास सारे कैपेबिलिटीज हैं, मुझे सिर्फ जेंडर से ना तोला जाए। इसके लिए हमने किन्नीर सर्विसेज ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया। बहुत ही बढ़िया कहा आपने, और क्योंकि आप बोल रही है कि इवैल्यूएट मी या मुझे जज कीजिए मेरे काम के लिए, तो अभी काम की बात करते हैं। आपका लास्ट ईयर का सेल्स और प्रॉफिट क्या था? शुरुआत हुई हमारी B2B मॉडल से, शुरुआत हुई थी हमारी 2018 में। पहले साल में करीब 30 लाख की सेल आई थी, अगले साल 19-20 में हम लोग 77 लाख तक पहुंच गए थे। जैसे ही कोविड आया, B2B मॉडल्स थोड़े बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, तो हमारी सेल्स जो थी करीब 15 लाख की हुई पिछले साल, और इस अब तक इस साल में हम करीब 27 लाख की सेल कर चुके हैं। ओवरऑल हमारा 6% प्रॉफिट मार्जिन है। लक्ष्मी, मैं आपको पहले तो बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और देखिए कौन बोल रहा है। आप लोग नो, आई एम इन अ कंपटीशन विद बोथ ऑफ यू।
मनीष, पानी एक कमोडिटी है, तो मतलब क्या अलग है, या मतलब पानी सेम है एंड हमारा कम्युनिकेशन है कि हम ये चेंज ला रहे हैं इसलिए हम अलग हैं? कैसे आप ब्रांड्स को कन्विंस करते हैं? मैम, हमारा पानी या और किसी कंपटीशन के पानी में ऐसा कोई फर्क फिजिकली नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ मेरे क्लाइंट्स जो मेरा पानी पीते हैं वो कहते हैं आपका पानी मीठा लगता है। पानी का सबसे बड़ी खासियत है किस नीयत से दी जाती है। मेरे एम्प्लॉय जो किए हैं वो सिग्नल पे कभी भीख मांगते थे, कभी रातों को एक वक्त की रोटी के लिए अपना बदन बेचते थे, वहाँ से उठ के वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो निष्ठा और जो आत्मसम्मान से दे पैक द वाटर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट द एनर्जी। अगर मैं आप में मन में 10 गुस्सा करके आपको एक ग्लास पानी दूंगी तो आपको प्यास भी नहीं बुझेगी, और मैं अच्छे दिल से आत्मसम्मान से आपको पानी दूंगी तो एक घूट में भी आपकी प्यास बुझ जाएगी। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ वाटर, यही पानी की खासियत है। एक क्वेश्चन मेरा था, आपने कहा आपका लक्ष्य है कि सबसे टॉप 3 ब्रांड में आना है ना, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड में, ये बताएं। जैसे अभी अगर आप मार्केट देखेंगे, हर कोई सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहा है। अगर दो ब्रांड्स जिनकी क्वालिटी रेट सेम है, तब वो सोचते हैं कि मैं ये पानी क्यों लूँ। कोरोना काल में स्पेशली लोगों को ये बात समझ में आई है कि नहीं, हमें उन कंपनियों के साथ जुड़ना है, हमें उन लोगों के साथ जुड़ना है जो ह्यूमैनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन और क्या अलग करेंगे, तो हमसे ज़्यादा ड्रामा कोई नहीं कर सकता। वो तो सही है, जहाँ ड्रामा रहेगा वहीं चीज़ें बिकती हैं। अच्छा, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ शोकेशिंग एंड आई हैव द बेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम माई कम्युनिटी हु आर रेडी टू डू इट, and that is the way the limelight will be always on Kinneer. पानी जो companies होती हैं, ये कई companies बनाती हैं या खुद ही बनाते हैं, इसका कोई process होता है, पानी का business कैसे चलता है? सर, पानी का business दो तरीके से है, या तो owned factories हैं या आप एक manufacturing contract देते हैं। पानी एक heavy item है, उसकी वजह से transportation becomes थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपके regions ज़्यादा हैं, अच्छा, उसमें एक हेल्प ये हो जाती है कि मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, जिसमें कि हम अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग रीजन्स में हम टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे 7 फैक्ट्रीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स। ओके ओके, इसमें देखिए, जो पानी का बिजनेस है इसमें लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी कॉस्ट है जी, क्योंकि पानी की खुद की कॉस्ट तो बहुत कम होती है जी, मेन जो पैसा खर्च होता है पानी को मूव करने में होता है। बिस्लरी एक अलग कैटेगरी लीडर था और उसकी वॉल्यूम्स इतनी बड़ी बन गई, बट उसके बाद जो भी कंपनी आई वो ऑलरेडी बेवरेज की बिजनेस में थी, उनका काम ही मीठा पानी मूव करना था फैक्ट्री से दुकान पे, तो उनके लिए ये लॉजिस्टिक्स सेंस करता है और वो उस कारण से बेटर मार्जिन बना पाएंगे। आपके पास ऐसा क्या लॉजिस्टिक एडवांटेज होगा कि आप बाकी बेवरेज कंपनी से आप कम्पीट कर पाएंगे? हम जब बात करते हैं, हम एक बहुत ही इनडेप्थ रिवर्स इंटीग्रेशन मॉडल में काम करते हैं, जहाँ हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं वो समझते हैं कि ये क्यों है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, शायद वो दिन में 100 बॉटल लेते हो, लेकिन अगर मेरा ट्रक लोड 500 का है तो वो खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं आपका कॉस्ट बहुत अच्छा है, तो हम 5 दिन का सप्लाई एक दिन में लेने को तैयार हैं, आप हफ्ते में एक बार गाड़ी भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ही सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी को भी एक आगे बढ़ना है और ये हो रहा है। तो मेरा इस पर एक डिसीजन बन रहा है, देखिए पानी का बिजनेस आपका ब्रांड होता है या कोई और भी ब्रांड होता, मेरा उसका जवाब ना ही था। उसका रीज़न ये है कि बहुत लो मार्जिन बिजनेस है, सेकेंड कमोडिटाइज बिजनेस है, थर्ड स्केल का बिजनेस है। जैसे मैंने आपको कहा, किसी के लिए सिर्फ सादा पानी मूव करने में स्टैंड अलोन मुनाफा नहीं है, तो मैं एज अ शार्क इससे आउट हूँ। थैंक यू शार्क, उसमें कोई बात नहीं। देखिए, एक होता है बिजनेस जहाँ पे हम शार्क्स यहाँ बैठे हैं फाइनेंशियल रिटर्न के लिए। मैंने आपको ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा तो मुझे ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो मुझे लगेगा कि मेरे बिजनेस का रिटर्न आएगा। एक दूसरी बात है जो है ये मकसद के साथ जुड़ जाना। तो मेरी कंपनी, हम 1000 लोग मिल के काम करते हैं मेरी कंपनी में, मैं 200 कंपनी के साथ जुड़ा हुआ अभी हूँ, तो वो काम करना, तो हम अभी के अभी तैयार हैं आपके साथ जुड़ने के लिए और वो मकसद को आपकी मदद करने के लिए। लेकिन जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, आई एम सॉरी लेकिन मुझे ये वाले बिजनेस से आउट होना पड़ेगा। आई लव द कॉज, लक्ष्मी जी आपकी स्पिरिट ने बिल्कुल मुझे जागृत कर दिया, तो अप्लॉज फॉर दैट। थैंक यू मनीष जी। जब कोई बिजनेस में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो एक वैल्यूएशन का
तरीका होता है जो जनरली होता है कि कितना नेट रेवेन्यू हमारे बुक्स में था पिछले साल और उसका एक मल्टीपल होता है। तो मैं जब आपका रेवेन्यू के बेसिस पे मल्टीपल करने की सोचती हूँ तो मुझे एक आध करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन मेरे दिमाग में नहीं मिल रही और आपकी आस्क है 1 करोड़, तो इसलिए मेरा लाइक बिजनेस लॉजिक से अभी इसमें इन्वेस्टमेंट फीजिबल नहीं है, तो इस रीज़न के लिए मैं आउट हूँ। मनीष जी, लक्ष्मी जी, वेरी इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू गाइस आर डूइंग। वी विल डू व्हाटएवर, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, बट एज अ शार्क, एज एन इन्वेस्टेबल बिजनेस, मुझे पानी का बिजनेस अभी ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, इसमें मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, बट ऑल द बेस्ट, आई एम आउट। तो चार शार्क बता रहे हैं वो ये है कि कॉज अपनी जगह होता है और बिजनेस अपनी जगह। तो कॉज के लिए हम सब ने एक्सप्रेस किया कि हम जुड़ना चाहेंगे। डोंट वरी, तो मैं आप सबके कंपनी में पानी भेजूंगी। डोंट वरी, प्लीज डू। नहीं, और आपका जो मकसद है लक्ष्मी जी, एम्प्लॉयमेंट, वो एक बहुत बड़ा मकसद है, तो उसमें भी हमारे एचआर टीम आपसे बात करेंगे। बट बिजनेस पर्सपेक्टिव मेरा भी ये मानना है कि 30 लाख बिजनेस के लिए एक स्केलेबिलिटी होना चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए, एक सर्टन साइज होने की, जिसकी वजह से हम आपको 10 करोड़ वैल्यूएशन अभी देंगे, जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है इन अ क्लटर्ड क्राउडेड मार्केट। सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। बट अगेन, मैं सबके बिहाफ पे बोलना चाहूँगी कि आप एक मिसाल हो, प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क। नहीं, थैंक यू। मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। शार्क्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर बोल्ड डिसीजंस ऑन माय फेस। धन्यवाद। आप लोग सबसे पाँचों जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और शार्क टैंक पे किन्नीर सर्विसेज का आना बहुत ज़रूरी था। ये भी इंक्लूजन बताता है कि आई डोंट बिलीव कि कोई दूसरे शार्क टैंक में कहीं ट्रांसजेंडर कभी आए होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एंड इट्स हैपनिंग इन इंडिया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक, लव योर स्पिरिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, द वेरी बेस्ट। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।